साल भी हमारा नाला बंद हो गया, बिल्कुल हमारा रास्ता बंद हो गया। हम बुलाया था सरपंच को तो हमारे आया नहीं, फिर हम आगे रिपोर्ट करी तो आगे से फिर आया, तो फिर सरपंच भी आया था तो बोला हम भणवा देंगे। अभी जीसीपी चलाई, बोला नाला साफ कर रहे हैं पूरा, वो पेड़ को फाड़ के इस नाला में गिरा दिया और पानी जाम हो रहा है, इसका भी कोई रास्ता नहीं किया। हमारे को पता है तो नहीं चल रहा है, वो तो पता नहीं चल रहा है, बोला बना रहे हैं, कब बनाएंगे वो है हमारे। अब हमारा 10 दिन तक हमारा ये जब तक नाला चलेगा हमारा यहाँ सामान खाना पीना सब हराम हो जाता है, हमको जाने के लिए रास्ता नहीं। का आज 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 5 दिन हो गया, 5 रोज हो गया, बच्चे घर में बैठे हमारे, हाँ पूरा निकल नहीं पाते। आप देख के आए होंगे ना, फिर रोड कैसी हो रही है हमारी। मेरा नाम पायलट आप रखी है, ये डिफेंस वाले ने गली नंबर 2 की है और 3 साल से प्रशासन आ रहा है, ना पुलिया बन रही ना रोड बन रही है, और ये पानी पीने का भी ठीक से नहीं आ रहा, बच्चे रास्ता जाम हो जाता है। इतने पूरे साल से पानी नहीं सुखा था, पुलिया का आश्वासन दे रहे हैं लोग, लेकिन कभी पुलिया नहीं बनी है और ना पानी ठीक से आ रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बारिश में हमारे। आज हमने जो भी प्रशासन आया उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं करने दी हमारे को। क्या समस्या है क्षेत्र की, अभी क्या हुआ है? देवनानी साहब को हमने 3 साल से बोलते हो गया, सरपंच साहब को बोलते हो गया, 3 साल से हमने पुलिया के लिए रोड के लिए बोला है, हर साल आते हैं हमारी पुलिया कोई नहीं बना रहा, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते यहाँ से। 3 साल से हम लोग बोलते हुए भी कलेक्टर मैडम से बात करना चाह रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनना चाह रहा। दो बार यहाँ के पैसे पास हो गए, सरपंच साहब पैसे खा जाते हैं यहाँ पे और ना रोड बनवाते हैं हमारी। आज 5 दिन हो गया, आपने समस्या हाँ कितनी बार करवा दिया? 3 साल हो गया सरपंच को। सरपंच साहब ने पहले भी पैसे खा गए और अभी भी पैसे खा रहे हैं।